इन दिस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस यू कैन सी दैट दैट इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंजेस एंड इट इज़ गिवन दैट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दीज आर कॉल्ड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या हम इसको डार्क एंड व्राइट का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं हमें गिवन दे रखा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज नाइन इज टू वन और हमें जो फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड रेशो ऑफ इंटेंसिटी मतलब आई वन आई टू जो होगा वो दो हमें फाइंड करना है एंड रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड सो so, देखिए यहाँ पर नोट में हमने इंटेंसिटी डायरेक्ट जो होती है प्रपोर्शन होती है ये टू में होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो चलिए हम इस फॉर्मुले को यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को मैक्सिमम और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ये पैटर्न आ रहा है ये मैक्सिमम और मिनिमम का होगा दैट इज द मिनिमम सो दैट इज द मिनिमम ये हमने लिखा है फॉर्मूला मैक्सिमम और मिनिमम का आई होप सो आपको क्लियर होगा और आप देखेंगे अंडर रूट आई वन प्लस आई टू और अंडर रूट आई वन माइनस आई टू और इसका जो गिवन वैल्यू दे रखा है वो नाइन एस टू वन ऑलरेडी गिवन है अब आप देखिए जब जैसे जैसी इस, आप इस पर स्क्र रूट लगाएंगे यहाँ से टू हटेगा तो थ्री टू वन हो जाएगा अब आप इसका फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमने ये मल्टीप्लीकेशन कराए जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें रूट आई वन जो मिलता है टू टाइम्स ऑफ रूट आई टू मिलेगा अब आप एक काम करिए रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए तो जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको टू का फोर मिल जाएगा इन दोनों से रूट हट जाएगा और रेशो आ जाएगा फोर इज टू वन तो आपको जो पहला केस फाइंड करना था वो फाइंड करना था इंटेंसिटी जो है फोर इज टू वन अब देखिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके पास ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी फोर इज टू वन है अब चूंकि ये स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो रूट बन जाएगा और सॉल्व करने पर टू इज टू वन आ जाएगा इस प्रकार से जब हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे रेशो निकालेंगे सॉरी तो आ जाएगा टू इज टू वन